वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी पलटन जा रही है भोपाल, भोपाल को घूमने, सृजन को परेशान करने। और तो कुछ बोल। हम लोग जा रहे हैं भोपाल, मैं तो जाते थे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शिखा एंड आप देख रहे हैं शिखा की बगिया। तो हम लोग जा रहे हैं भोपाल और यहाँ सृजन है, मेरी भाभी है, भाभी के दोनों बच्चे हैं और अचल और साथ ही मैं। तो हमें ड्राइवर छोड़ने जा रहा है नरसिंहपुर तक और नरसिंहपुर से हम लोग जाएंगे ट्रेन से भोपाल। तो हमारी शाम की ट्रेन है 6 बजे की और हम लोग करीब 10:30 बजे भोपाल पहुँचेंगे। तो मिलते हैं भोपाल चलकर और यहाँ पर एक बड़ा नेता आ रही है। तो जो हम लोग भोपाल में उतरे ना, तो हमारी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी। एक तो हम लोगों की ज़्यादा आदत नहीं है, हम लोग ट्रेन वगैरह से बहुत कम सफ़र करते हैं, ज़्यादातर अपनी गाड़ियों से ही हम लोग कहीं आते जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग भोपाल के स्टेशन से बाहर निकले तो मुझे लगा एक क्लिप यहाँ की लेना चाहिए। कमलापति स्टेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना है अभी, और हर बार तो यहाँ से निकलते हैं मगर कभी वीडियोज़ मैंने नहीं बनाई हूँ। आज भाभी बच्चे सभी लोग साथ में थे और ये लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं भोपाल। तो मेरी भाभी अब तक कभी भोपाल नहीं आई थी, कोई हमारे रिलेटिव रहते ही नहीं है कि हमें कभी भोपाल आना पड़े, इसलिए हम लोग भोपाल आए हैं घूमने के लिए। और ये था अचल का सृजन का रूम। तो यहाँ पर गैस, इंडक्शन वगैरह सब चीज़ थी, हमने कुछ सामान भी लेकर आए थे खाने पीने का और सब्जियाँ वगैरह सब हम हमारे घर से लेकर आए थे। और यहाँ पर सृजन के सब जूते चप्पल वगैरह रखी हुई हैं, उसका स्टैंड नहीं आया है तो घर अभी अभी इन लोगों ने चेंज करे हैं इसलिए। तो काम वाम करने के बाद हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो आज जा रहे हैं हम न्यू मार्केट और कुछ ख़रीदी वगैरह करते हैं, देखते हैं, भाभी को घुमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछले साल आके घूम के चली गई थी। ये बिल्डिंग है हमारे सृजन की जहाँ पे इन लोगों ने अभी रहना स्टार्ट किया है। और हम लोगों ने काफ़ी सारी ख़रीदी कर ली थी, भाभी ने काफ़ी सारे सोफ़े के कवर वगैरह लिए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। यहाँ गर्वित के शूज़ वगैरह लिए जा रहे हैं और उसके बाद हम घर को जाएंगे। हेलो दोस्तों। तो आज थर्ड डे था और हम लोग ने ना गाड़ी सीखना शुरू किया है, ड्राइविंग क्लास। तो मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल नहीं आता तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे जब आए हैं तो हम लोग ड्राइविंग क्लास भी सीख लें। तो यहीं की थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैंने ब्लॉग बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, ब्लॉग मेरा कम ही है। तो मैं सबको जोड़कर एक ब्लॉग बना लूँगी ऐसा सोच रही हूँ अभी। और कितना कुछ बना है अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं करी है क्योंकि हम लोग घूमने फिरने में इतने ज़्यादा मस्त हैं और मॉर्निंग से ड्राइविंग करने चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं और फिर हम लोग घूमने निकल जाते हैं। तो मैं ना अच्छे से ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं बना पा रही हूँ, पूरा फुल इन्जॉय हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पर जो हम घूमने आए हैं, तो उसका पूरा फुल इन्जॉयमेंट भी तो हो। नहीं लेकिन एमपी से तो पूरी की पूरी थी, यूपी का आना चाहिए, यूपी का आना चाहिए, थोड़ा स्टेट से यूपी। तो आज हम लोग सीख रहे हैं कि गाड़ी को रिवर्स में कैसे निकालना चाहिए। और मेरी भाभी गाड़ी सीखी हुई है लेकिन जब मैंने चलाना स्टार्ट किया ना तो उसने कहा कि मैं भी थोड़ा सा सीख लेती हूँ 2-4 दिन तो मेरे हाथ अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, मतलब किसी भी ड्राइविंग क्लास में, क्योंकि ऐसे ही उसने चलाना शुरू किया अपने पापा की गाड़ी निकाल निकाल के।
तो वो भी थोड़ा सा मतलब रिवर्स हम लोग अभी सीख रहे हैं रिवर्स लेना, मैंने ले लिया है और मैंने मतलब लिया है प्रैक्टिस हो गई है, कर रही है भाभी प्रैक्टिस होगी उसके बाद स्लगिंग की प्रैक्टिस। आज का समय ऐसा है कि महिला हो या पुरुष हो गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है और मैं देख रही हूँ कि हर जगह महिलाएं मतलब इतना आगे जा रही हैं गाड़ियाँ चला रही हैं और हम लोग सीख ही नहीं पाते हैं। हमारे घर में हमारे जो हस्बैंड है वो गाड़ी नहीं सिखाते, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि चलो यहाँ आए हैं तो हम कम से कम गाड़ी तो सीख लें। और हमें हमारी जब बातें सुना सृजन ने तो सृजन ने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा हाथ यहाँ पे साफ कर लेता हूँ ड्राइविंग क्लास जाकर और परफेक्ट सारी चीज़ें अच्छे से समझ में जाएगी जहाँ कुछ जो गलतियाँ करता है वो गाड़ी चलाते टाइम, तो इसलिए वो भी थोड़े दिन अभी सीख रहा है और हमारे जाने के बाद भी वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि वो हमारे मतलब हमने 3-4 दिन सीख लिए थे तब जाके वो गाड़ी चलाना उसने स्टार्ट किया है। बल्लू इधर तो देख ले, इधर मम्मी आप मेरे को दिखाओ बल्लू। हाँ देखो देखो हमारा हो गया है आज 4th दिन और 3 दिन के मैं सब ब्लॉग ना पूरा इकट्ठा कर दूंगी। आज जा रहे हैं हम लोग वाटर पार्क, बहुत तेज धूप है लेकिन पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाएगा इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए घर से। धूप तो इतनी तेज और हमने गॉगल भी नहीं लगाए, गॉगल लाना भूल गए हम लोग नीचे। ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे बैठने की क्या है वो नाम क्या। हाँ हाँ बिल्कुल मत बैठ। हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। जाके ब्लॉग बना रही हूँ, इतनी तेज धूप में हम लोग आए थे और इतना ज्यादा मजा आया ना, इतना ज्यादा एंजॉय किया हमने। और ये पीपल्स माल के हम लोग वाटर पार्क आए थे, ज्यादा दूर नहीं जाना था हम लोगों को, तो दूसरे जाने वाले थे लेकिन वहाँ नहीं गए, फिर हम लोगों का यही प्लान बन गया यहीं आ गए। बहुत मजा आया और अभी अचल सृजन गर्वित बराली कोई निकलने को तैयार नहीं है आज से। हाँ बराली अचल गर्वित सृजन सब भिड़े हुए हैं अभी भी, पार्क अब बंद होने वाला है लेकिन इन लोगों का काम खत्म नहीं हो रहा। हम लोग पूरा घूम चुके हैं, मतलब